हाय फ्रेंड्स, मैं सुविधा चौहान आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल साई सिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को एक्सेल में कॉलम एक्स्ट्रा लेना है या रो अगर एक्स्ट्रा लेना है तो वो हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल का फाइल ओपन करके ही रखा है, तो ये मेरा डेटा बना हुआ है। इसमें अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉलम लेना है तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर एक तो मैं राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करो और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करो तो ये मेरा कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको सेम चीज़ राइट क्लिक करके नहीं यूज़ करना है तो आप इसको सिलेक्ट करो और ये ऊपर होम के ऑप्शन में जाके इंसर्ट में भी आप यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम पर अगर आप क्लिक करोगे तो भी एक्स्ट्रा कॉलम आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मिस उनको रो भी लेना है तो रो कैसे लेंगे, तो रो के लिए भी आपको क्या करना है, आपको जो चाहिए जहाँ भी जिसके भी ऊपर या नीचे आपको लेना है तो आप वो रो को सिलेक्ट करो। ठीक है, आप चाहो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करो तो आपका रो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप राइट क्लिक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ऑप्शन में जाओ होम के और यहाँ पर ये इंसर्ट के टैब पर क्लिक करो, इंसर्ट शीट रो आप इस पर क्लिक करो, ये एक्स्ट्रा शीट आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन केस कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा अगर इंसर्ट हो गया तो मुझे डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट का भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमको एक इंसर्ट करना होता है लेकिन एक से ज़्यादा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिलीट भी कैसे करेंगे, तो डिलीट करने के लिए भी हम लोग राइट क्लिक करके भी, आप पहले कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट के नीचे ही आपको डिलीट का ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। और ऑप्शन से डिलीट करना है तो होम के टैब पे आप डिलीट में जाओ, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। रो का भी सेम ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो और आप चाहो तो यहाँ ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हो, तो ये भी हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रो एंड कॉलम्स को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं और इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप नए हो अगर मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में आप लोगों के लिए रेडी कर रही हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा मैं अपडेट करके बनाती रहती हूँ जो आपको ऑफिस में आपको यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पूरा वीडियो देख सकें, तो इसके लिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए। ठीक है।